कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या खसूसियात हैं जो किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है, या टाइटल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑलरेडी बात कर रखी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सबसे पहली बात है कि दिस इज ए यूनी मॉडल कर्व. यूनी मॉडल कर्व से क्या मतलब, सिंगल पीक बेल शेप्ड कर्व होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो मेरे पास कर्व होगी बाय नॉर्मल सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, दैट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी, हमें इस तरह से दिखाई देगी. अब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एक ये बेल शेप्ड कर्व है. सबसे पहली बात है कि दिस इज द बेल शेप्ड कर्व, और इसकी एक ही सिंगल पीक है, शेप्ड कर्व इसकी सिंगल पीक है, ठीक है, ये सबसे पहली बात होगी. इसी तरह जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो कि हमें बहुत सारे यू नो इन्फ्रेंसेज, या बहुत सारे अगर हम बहुत सारे सैम्पल्स ड्राइव करें और उस पर इन्फ्रेंसेज बनाएं, तो हमें उसमें हेल्प आउट करता है कि इसका मीन, मीडियन एंड मॉडरेट द सेम पॉइंट, यानी जिसका ये पॉइंट है, ठीक है, यही इसका मीन भी होगा, यही इसका मीडियन भी होगा, यही मॉड होगा, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. सो म्यू जो है मीन भी है, मीडियन भी है, और मॉड भी है, ठीक है, इसलिए आपको ये बेल शेप कर्व जो है वो, चूंकि ये सिमेट्रिकल होती है, अगर आप मीन, अगर मीन इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पर एक्ट करें, तो इसका राइट हैंड हाफ ऑफ द कर्व और लेफ्ट हाफ ऑफ द कर्व जो होगा वो आपस में सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूं बात करते हैं कि इसका मीन, मीडियन एंड मॉडरेट इज द सेम पॉइंट. उसके बाद है दो टेल्स आपको नजर आ रही हैं, दीज टेल्स आर नेवर गोना टच एक्स एक्सिस, ठीक है, ये टेल जो, बिकॉज हम इनफिनाइट सैंपल्स की बात करते हैं, तो इसलिए ये जो टेल है, जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेल है, ये देयर दिस इज, ये आपको ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इट विल कीप ऑन गोइंग स्लोली 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 स्लोली, ठीक है. सो इसलिए हमारे पास इस तरह के जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगी, यानी बेल शेप कर्व होना, ठीक है, मीन मीडियन मॉड, एंड ऑब्वियसली मीन मीडियन मॉड और एक पॉइंट पे तभी हो सकते हैं जब वो सिमेट्रिकल होगी, दोनों हाइट पे सिमेट्री होगी, उस तरह टेल्स आर नेवर गोना टच. बट अगर रियलिटी में आप देखें, तो रियलिटी में जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो जो कर्व होगी दैट कैन नेवर एक्सटेंड एट बोथ एंड्स, यानी वो दोनों एंड्स पे जा नहीं सकती. लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सैंपल, जैसे मैंने पहले बात की, इंक्रीज करेंगे, तो वो एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मैंने एक बात कर दी म्यू, एंड व्हाट कुड बी द सेकंड पैरामीटर, वो स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा कहते हैं, ये दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें कैलकुलेशन के वक्त हेल्प आउट करती है, कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन. जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा वन रहेगी, क्योंकि आप सर मीन जो भी रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी रखें, हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, या एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो वन यूनिट होगा, ठीक है, वन यूनिट स्क्वायर. क्या है, चले जी, हमने पैरामीटर्स की बात की, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगी वो किस तरह की होगी. अब ये म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जी कि अगर हमारे पास मीन म्यू है 50, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बच्चों के एवरेज स्कोर की बात कर लें, ठीक है, और हम बात करते हैं जी ऑन एवरेज बच्चों का जो स्कोर है, ठीक है, वो 50 है, ज्यादातर बच्चों का स्कोर 50 आया है, ठीक है, सो 50 इज गोइंग टू बी द मीन, ठीक है, 50 इज गोइंग टू बी द मीन, यही मीडियन होगा, यही मॉड होगा, ठीक है. हम कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने स्कोर 50 अटेम किए, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी है, इसलिए ये कर्व सबसे, ये वाली जो है सबसे हाई यही चीज होगी. अब क्वेश्चन ये है, दिस इज गोइंग टू द मीन. अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन विल अफेक्ट द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व. अगर मीन सेम रख लिया जाए तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी बाकी जो स्टूडेंट हैं वो इस मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे मौजूद हैं, ठीक है, ये चीज डिटरमिन करेगी सिग्मा, मैं लिखूंगा सिग्मा, ठीक है,
जो कि क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि कर्व की फ्लैटनेस कितनी होगी। यानी अगर सिग्मा जो है वो 1 रख लीजिए, यानी जो बाकी बच्चों का स्कोर है वो बहुत क्लोज क्लोज है, बहुत क्लोज क्लोज है, तो हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगी वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। यानी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, इट विल बी, उसकी पीक जो है वो बढ़ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द पीक ऑफ द कर्व अगर हमारे पास जो है बच्चों का स्कोर जो है वो दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू द मीन, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो नॉर्मल कर्व होगी, मैं हाथ से बना रहा हूँ कंसिडर के, बस ये एग्जैक्ट नॉर्मल कर्व है, ये कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1, यानी बाकी बच्चों का स्कोर जो है वो इस मीन स्कोर से इतना डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड हम देखेंगे कि अगर आप सिग्मा बढ़ा दें, सिग्मा अगर आप बढ़ा दें, लेट्स सपोज सिग्मा इज 5, तो फिर उस केस में हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, लेट मी चूज अनदर कलर, वाइट कलर पे कर लेते हैं, फिर जो नॉर्मल कर्व हो जाएगी वो कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पास कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है। लाइक नॉट, हम इसको प्लैटी तो नहीं कह सकते बिकॉज हमने जैसे टाइप पढ़ी थी, इट्स नॉट गोइंग टू द प्लैटी कर्व जो कर्व बन जाएगी, बल्कि ये मतलब थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, इसकी जो पीक है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 5, अगर आप सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ा दें, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो विच कलर शुड आई गो फॉर, येलो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कर्व जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द कर्व कि अगर हमारे पास सिग्मा जो है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो इनक्रीज हो गया। तो दिस इज फॉर द सेम, यानी इसमें मीन को चेंज नहीं करें, मीन इज नॉट शिफ्टिंग, ठीक है, मीन जो है वो सेम है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन को चेंज करने से आपने देखा कि हमारे पास कर्व जो है उसकी फ्लैटनेस पे फर्क पड़ता है, ठीक है, कर्व की फ्लैटनेस पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम ये देखें जी कि अगर हम जो है वो लेट से मीन को जो है वो सेम रख, सॉरी मीन को चेंज करें बट स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रखें, ठीक है, मीन को चेंज करें बट स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रखें, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑन द एक्स एक्सिस चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रखते हैं जी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है एंड फॉर मीन म्यू 15, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे लेट सपोज म्यू 25 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे म्यू जो है इज गोना बी 35, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूं कर ले, अगर यहाँ पे हमें कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लग रही है, तो जस्ट देखें कर्व सेम रहेगी, जस्ट क्या हो जाएगा, कर्व सेम रहेगी, दिस इज द मीन, ठीक है, तो कर्व सेम रहेगी, सिर्फ उसकी मीन की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी। इसलिए मैं देखें कर्व जो है वो सेम बना रहा हूँ, सिर्फ ये फॉर मीन 25 है एंड देन दिस इज फॉर 35, ठीक है, दिस इज फॉर 35। तो आप देखें जी अगर पोजीशन जो है शिफ्ट कर देते हैं, मीन शिफ्ट करने से जस्ट कर्व जो आगे मूव करेगी उसकी फ्लैटनेस पे या इस पे कोई असर अंदाज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन, यानी अगर आप इसी के लिए अगर आप दोनों चेंज करेंगे तो जाहिर है जो है कर्व शिफ्ट भी करेगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, डिपेंड्स कि आप मीन क्या रखते हैं, ठीक है, और दूसरा केस में उसकी फ्लैटनेस पे भी फर्क पड़ेगा, उसकी फ्लैटनेस पे भी फर्क जरूर पड़ेगा। अब ये तो बेसिकली बात हो गई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी कुछ प्लॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जैसे हम इस केस में बात करते हैं जी यहाँ पे बच्चों का जो एवरेज स्कोर है उससे डिस्टेंस बहुत कम है, फॉर दिस केस सिग्मा इज इक्वल टू 1, ठीक है, बच्चों ने 50 स्कोर किया और 51 स्कोर, 52 स्कोर, यू नो नॉट लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन एवरेज हर बच्चा अपने मीन स्कोर से 1 यूनिट पे जो है वो लाई करता है, विच इज़ नॉट द बिग डिस्टेंस, को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इस केस में पीकटनेस आ गई, जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा बड़ा उसमें स्लाइट फ्लैटनेस आई है, जहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व फ्लैट होगी, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व से क्या मुराद है, एरिया अंडर द कर्व हमें डिफरेंट रेंज ऑफ स्कोर्स के लिए, रेंज के लिए हम प्रोबेबिलिटीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।